बरसात ने दिल्ली वालों को गर्मी से ज़रूर कुछ राहत दिलाई है, पर बारिश के साइड इफेक्ट्स भी आने शुरू हो गए हैं। दिल्ली के द्वारका इलाके में मेन रोड पर चलती हुई एक कार जमीन में धंस गई। इस हादसे में कार सवार युवक ने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई है। बताया जा रहा है कि ये I-10 कार दिल्ली पुलिस के एक जवान की है, जो अपने दोस्त से मुलाकात करके द्वारका सेक्टर 18 के अतुल्य चौक से गुजर रहा था। उसी समय मेन रोड की सड़क धंस गई और चलते हुई कार जमीन के अंदर जा घुसी। दिल्ली पुलिस का ये जवान अश्विनी पटेल नगर सर्कल में ट्रैफिक में तैनात है। जी, मैं दोस्त के पास से आ रहा था, भाई के पास से बैठा हुआ था ऑफिस में। वहाँ से आया, गाड़ी जा रहा था रोड से सीधा, यहाँ एकदम से रोड पर धस गई गाड़ी अंदर। तो गाड़ी में आप ही थे? हाँ, मैं अकेला था गाड़ी में। कार चालक दिल्ली पुलिस के जवान ने बताया कि वो आराम से मेन रोड से गुजर रहा था और उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अचानक से चलती हुई कार जमीन में घुस जाएगी। उसे संभलने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिला और वो बड़ी मुश्किल से कार से बाहर निकल पाया। इस हादसे के बाद मौके पर भीड़ जमा हो गई और किसी ने इस घटना का वीडियो बनाकर इसके बाद सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया। इस हादसे की सूचना पुलिस को दी गई और तुरंत ही पुलिस मौके पर पहुंची। ट्रैफिक पुलिस ने क्रेन की मदद से कार को बाहर निकाला। पीड़ित ने बताया कि हादसे के समय वो गाड़ी में अकेला था और अपने एक दोस्त से मुलाकात करके आ रहा था। गाड़ी जा रहा था रोड से सीधा, यहाँ एकदम से रोड पर धस गई गाड़ी अंदर। तो गाड़ी में आप ही थे? हाँ, मैं अकेला था गाड़ी में।